सर हमारे दर्शक, पहले तो आपका इंट्रोड्यूस हो जाए थोड़ा, आप किस संधि से हैं और किस तरीके के धर्म में आप लिए हैं सर, बता दें। मेरा नाम मधुलाल वाल्मीकि है जी, और मैं जो एमएस एक्ट के तहत, एमएस एक्ट 2013 के तहत जी जो राज्य स्तरीय निगरानी समिति बनी है जी, उसका मैं सदस्य हूँ। और इसका जो मेन उद्देश्य है जी, जो पहले सिर पे मेला ढोने का काम चलता था जी, तो अब वो झड़ाऊ शौचालय तो ख़त्म हो गए हैं जी। उसके अलावा नीति आयोग के माध्यम से जब 2013 में जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और उन्होंने ये माना कि आज भी मेला ढोने का काम हो रहा है जी, जी। तो उस पर सरकार को संबोधित करते हुए एक स्कीम बनाने की कोशिश, प्लान बनाने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके तहत नीति आयोग में एक गाइडलाइन बनी जी, गाइडलाइन में चार प्रकार के मेला ढोने वाले और जोड़ दिए गए जी। पहले था वो झड़ाऊ शौचालय में काम करने वाला, उसके बाद में जो जोड़े गए हैं तो उसमें दूसरा है जो नाला नाली साफ करने वाले, क्योंकि कई जगह जो है सेपरेट टैंक ना बना करके नालियों को सीधा नाली से जोड़ दिए गए जी, लेटरिन को सीधा नाली से जोड़ दिए गए, तो उस पाइप के जरिए वो मल जाता है नाली में जी, और उसको हमारे कर्मचारी लोग साफ करते हैं। तो दूसरा हो गया वो गंदा नाले नाले साफ करने वाले, तीसरा है जो सेपरेट टैंक में काम करते हैं। आपने सुना होगा सेपरेट टैंक में बहुत मौतें हो रही हैं लगातार अभी भी हो रही हैं, तो जो सेपरेट टैंक में काम करने वाले हैं वो भी तो मल साफ करते हैं ना, तो तीसरा वो हो गया। चौथा है जो सीवर लाइन में काम करते हैं, और सीवर लाइन में भी मौतें हो जाती हैं, उनको कोई सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए जाते जैसे गैस मास्क वगैरह सब होता है ना, तो उसकी वजह से चौथा हो गया आपका सीवर लाइन में काम करते हैं। पाँचवा है रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले जी, सुबह सुबह मॉर्निंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और सोच करते हैं लोग, तो जो पुराने टाइप की गाड़ियाँ सीधा मिल जाता है नीचे जी, तो पटरियों पे आपने भी देखा होगा सुबह सुबह धुलते हुए मिलेंगे जी, तो पहले वाले ढोते थे ये धुलते हैं जी, मेला ढोने वाले और मेला धुलने वाले ये भी बात है। तो ये पांच प्रकार के लोग थे। 2018 में 25 मार्च 2018 से इसका सर्वे हुआ भारत सरकार की तरफ से, तो 47 जिलों में उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ था, और हर ज़िले में भारत सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे हर ज़िले में जी। तो उनका काम था ये सर्वे कराना, नोडल अधिकारी बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था हर ज़िले के डीएम को जी, और डीएम ने अपना नोडल अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी या डीपीआरओ वो उन्होंने बनाया अपनी जगह जगह। तो इनका काम था कि वो प्रचार प्रसार करना जी, गाँव में और शहरों में सभी जगह, और स्वतः घोषणा पत्र जो ये काम करने वाले हैं उनसे स्वतः घोषणा पत्र कलेक्ट करना, उनका पंजीकरण करना जी, और पंजीकरण करने के बाद में वो पूरा फॉर्मेट जो है वो भारत सरकार को भेज देना जी। हुआ का एक तो अधिकारियों ने गाइडलाइन पढ़ी नहीं जी, गाइडलाइन नहीं पढ़ने के कारण वो उनके दिमाग में एक ही रहा वो झड़ाऊ शौचालय वाला जी, जी। तो ये लोग पहले से ही वो जीरो रिपोर्ट देते रहे जी। और फिर इन्होंने जीरो रिपोर्ट दे दी। तो अब हम जा करके मेरा भ्रमण का जो मकसद होता है जी, हम अधिकारियों से एक क्वेश्चन करते हैं क्या आपने गाइडलाइन पढ़ी थी जी, अगर गाइडलाइन नहीं पढ़ी तो आपने जीरो रिपोर्ट कैसे दे दी। दूसरी बात, भारत सरकार का जो सत्यापन के नाम पे 2018 से अभी तक लोग रखते हैं तो इनको रखने का कोई पावर नहीं है जी, जी। वो भारत सरकार को आपको भेजने भेजने हैं सर, तो उसके बारे में भी हम पूछते हैं। तो आज अगर ये सब जोड़ा जाए तो जीरो रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं आता है, क्योंकि वो झाड़ू शौचालय के अलावा चार और भी तो हैं, रेलवे ट्रैक पर काम हो रहा है, सेपरेटिंग में हो रहा है, नाला नाली साफ हो रहे हैं, तो जीरो रिपोर्ट कैसे हो सकती है, ये क्वेश्चन वाली बात है। तो हम तो 18 जिलों में अभी हमने जो अपना भ्रमण किया और जहाँ जहाँ ये फार्मेट रुके थे जब अधिकारियों को हमने उनको समझाया तो वास्तव में उन्होंने इस चीज़ को माना और फार्मेट दिल्ली में गए, उनको लाभ भी मिला। सर थोड़ा प्रकाश डालते हुए सरकार की नीतियों पर भी बात करते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने किसान बिल पास किया है सर, उस संबंध में क्या कहना चाहें, किसान को कितना हित और अहित होगा, जो राजनीतिक दल जो हैं विरोधी पार्टियां हैं दिन प्रतिदिन क्या नाम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनको क्या नाम किसान भी आ रहे हैं उनके साथ में सड़क पर कर रहे हैं सर, इसकी क्या कहना चाहेंगे। अभी आपने देखा होगा जी, पहले की सरकार भी बिल पास करती थी जी, लेकिन वो सर्वसम्मति से पास नहीं होते थे जी, विरोधियों का काम है मुद्दा ढूंढना और मुद्दा को जी उछालना,
आप कितना भी अच्छा काम कर लो, हम अपने सरकारों की अगर बात करें तो सरकारें तो बहुत रही हैं, लेकिन इस सरकार में जो मान सम्मान स्वच्छकारों को मिला है, सफाई कामगारों को मिला है, जैसे कि आप शुरुआत में प्रयागराज से शुरुआत हुई थी तो तमाम शंकराचार्य एक से एक जटाधारी थे वहाँ पे, पूजनीय थे, लेकिन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ सफाई कर्मचारियों की ही पैर क्यों धोए, तो उनका मेन मकसद था कि जो दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है लोगों, भाई जो सफाई कर रहा है वो गंदा आदमी और जो गंदगी फैला रहा है वो अच्छा आदमी, तो ये दिमाग में गंदगी है ना, जबकि अच्छा आदमी वो है जो गंदगी साफ कर रहा है और जो गंदगी फैला रहा है वो है गंदा आदमी, इसका अपोजिट में लिया ना, तो ये संदेश देने के लिए उन्होंने कि पैर धो दिए। अभी आपने देखा होगा COVID-19 शुरू हुआ March 22 से, तब से सारी दुनिया घरों में थी, लेकिन हमारे कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मी, मैं उनको प्राथमिकता देता हूँ कोई दे या ना दे, क्योंकि सफाई स्वास्थ्य से जुड़ा मैटर है, तो हमारे सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी और ये स्वास्थ्य कर्मी और जो मीडिया कर्मी है, जो कोई जोड़े या ना जोड़े, मैं जोड़ता हूँ उनको, क्योंकि वो भी बराबर बाहर रहे और उन्होंने अपनी खबरें दी हैं, उन्होंने भी तो जान में जोखिम में डाली ना अपनी, तो जो घर में सो रहे थे और ये लोग जो है अपने परिवार और अपनी जान की परवाह ना करते हुए, जो कोरोना वॉरियर्स ने जो जोखिम भरा काम किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और हमारी सरकार द्वारा भी उनको देखो ताली थाली बजाई गई। ताली थाली बजाने का दो मकसद था, एक तो आपने देखा होगा आवाज़ जब होती है घंटों की, घड़ियालों की, थाली की, ताली की, तो उसे जो वायरस जो होता है वो भागता है, भागता है, तो एक तो मकसद वो था, दूसरा इनको सम्मान देना था। इसके बाद में मोमबत्ती जली, दीपक जले, ताज की रोशनियों से भी सम्मानित किया गया, लास्ट में फूलों की वर्षा करी, ऊपर से भी वर्षा हुई है, और लोगों ने जो जागरूक लोग थे उन्होंने जगह जगह सफाई कर्मियों का माला पहना करके उनको सम्मानित करके उनका सम्मान किया। तो ये सरकार का हमेशा नज़रिया अपना अपना अलग होता है और हर सरकार के मुद्दे भी अपने अपने अलग होते हैं और मुद्दा विरोधियों को नहीं आता है ना रास। सर सफाई कर्मियों के लिए जैसे कि आप धरातल पे आए हैं और भ्रमण के लिए निकले हैं, तो सर इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह पर ये भी देखा है नगर पालिका जो है बहुत तरीके से कहने के बावजूद भी नहीं सुनती है, इसमें यूबी आते हैं और सफाई नहीं कराते हैं, कहीं कहीं देखा गया अभी जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं सरकारी उनमें बहुत पानी जल भरा हुआ है, जिससे दूसरे पानी लोगों के घरों में जा रहा है, वहाँ से बीमारियाँ फैलती हैं, क्या कहेंगे सर? सफाई कर्मियों के बारे में समस्याएं तो पूरे प्रदेश में है जी, और ख़ास तौर से समस्याएं उनके साथ आ रही हैं, दो प्रकार की समस्याएं हैं इसमें जी, एक तो है नगर पालिकाओं वाली समस्या है जी, तो उसमें तो जो आउटसोर्स में लगे हैं लोग जी, एक तो उन्हें सबसे कम वेतन मिलता है और सबसे ज़्यादा वो काम करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान कार्य का समान वेतन, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है जी। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो COVID-19 के बाद में सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, क्योंकि जितने भी आय के स्रोत थे वो सारे बंद हो गए, तो सरकार के भी उसमें अर्थव्यवस्था की तरफ से कमज़ोर हुई है, और जो नगर पालिकाओं के पास जो संसाधन थे आय के वो भी बंद हुए, तो इससे क्या है उनके वेतन पर प्रभाव पड़ रहा है, विकास कार्य रोक करके इनका वेतन दिया जा रहा है, देखिए कहीं कहीं क्या है वो भी नहीं है तो उनको निकाला जा रहा है, क्योंकि जब वेतन ही नहीं है तो उनको कैसे क्या करें, तो इस कोरोना काल में जिन्होंने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करके वो जनहित में काम किए, अगर आज उनको निकाला जाता है तो उनके ऊपर उनके परिवार के ऊपर में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। दूसरा हम ग्राम पंचायत की तरफ जाते हैं, ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा वहाँ भी दो प्रकार की सफाई कर्मी हैं, एक तो जो स्वच्छकार समुदाय से हैं वो तो सफाई का काम कर रहे हैं, और जो गैर स्वच्छकार समुदाय से अन्य कास्ट के लोग, सवर्ण लोग, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं, वो नाम मात्र के सफाई कर्मचारी तो हैं लेकिन सफाई कार्य कहीं नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बाबूगिरी या सेवा भक्ति में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, सफाई का काम करने वालों की संख्या कम है, इससे उनके ऊपर में काम का बोझ भी पड़ रहा है
और उन्हीं को झेलना पड़ता है, निलंबन की, वेतन रोकने की कार्रवाई उन्हीं के साथ ज़्यादा होती है। और जो ऑफिस में बैठे हैं उनका एक दिन का भी वेतन नहीं कटता है। उधर प्रधान भी मगर पैसे लेकर के साइन नहीं करते हैं, और इनका साइन कैसे हो जाता है ऑफिस में बैठे बैठे? तो ये भी है समस्या ये। जबकि इसके लिए हमने कई आदेश भी करवाए कि जो मूल पद पर अपने काम करें, लोग अपने अपने जो जिसके लिए भर्ती हुए थे उस पर काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। वहाँ से कागज आया DPRO के पास, DPRO ने ADO पंचायत के जरिए सारे लोगों को बता दिया कि सारे लोग अपने अपने मूल पदों पर जाएँ। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो आज सारे कर्मचारी जहाँ के तहाँ कोई ऑफिसों में कोई सेवा भक्ति में लगे हुए जी, तो इसमें करोड़ों का बजट जो सरकार का है वो फ्री में जा रहा है। सर अगर बात करूँ तो कितने दिनों के भ्रमण पर आप निकले हैं सर? अभी तो मैं 3 दिन के भ्रमण पर हूँ जी। अभी हमें यहाँ से एटा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद जी, इटावा कल हमने कर दिया था, आज यहाँ पे मैनपुरी। तो इसका मकसद यही है कि अपना वो MS वाला मैटर है वो जो जीरो रिपोर्ट गई है तो अधिकारी के साथ में समीक्षा करना जी। इसकी दूसरा जो COVID-19 के बचाव के लिए जो उपकरण दिए गए हमारे सफाई कर्मियों जी, उनकी जांच करना, और उस पर हमें संतुष्टि भी लेना है ना सफाई कर्मियों के जरिए जी, और उनको जागरूक करना कि आज COVID-19 का संक्रमण बढ़ रहा है। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे यहाँ के निगरानी समिति के सदस्य, और इसीलिए मैंने इनसे बात भी की है काफ़ी मुद्दों पर। मैं MP से देवेंद्र कुमार।